हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉडिट पर आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इसमें माइनॉरिटीज की बात की गई है बट अगर आप इसके क्लोज वन में देखेंगे इसमें कहा गया है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस, मतलब ये सब सिटीजंस uh, पर लागू होगा उन सिटीजंस का कोई भी सेक्शन मतलब कोई भी भाग uh, इससे रिलेट uh, करेगा एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम भारत में Uh, जो सिटीजन्स होंगे उनका कुछ कोई भी भाग मतलब जैसे माइनॉरिटी होती है या मतलब जैसे बड़ा मेजॉरिटी uh, भी होती है तो उसमें जो भी अगर आपकी अपनी जो भी लैंग्वेज होगी स्क्रिप्ट होगा कल्चर होगा वो आप uh, खुद कंजर्व uh, करने के लिए उनका राइट right होगा देन क्लोज सेकेंड बात करता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्ट लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम किसी भी आप किसी भी को, citizen को मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि या तो मैंटेन किया जाएगा स्टेट के द्वारा या वो स्टेट फंड से, से एड लेगा किसी भी ग्राउंड पर रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज या एनी ऑफ दैम के ग्राउंड पर इसके बाद है आर्टिकल थर्टी राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज का राइट right कि वो इस्टैब्लिश कर सके और उससे एडमिनिस्टर कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इसमें क्लोज वन बात करता है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू इस्ट एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस किसी सभी माइनॉरिटीज को राइट right होगा कि वो आ, अपने रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे कुछ भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं इसके बाद वन ए इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय अ माइनॉरिटी रिफर्ड टू इन क्लोज वन द स्टेट शेल एंश्योर डेट द अमाउंट फिक्सड बाय और अंडर सच लॉ फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी Is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause. इसके बाद है clause second. The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. Article twenty nine applies only to two citizens, while article thirty applies both citizens and non citizens. Article twenty nine. केवल और केवल हम इंडिया के सिटीजन्स पर ही लागू होगा बट जो आर्टिकल थर्टी है वो दोनों पर लागू हो सकता है सिटीजेंस पर भी और नॉन सिटीजन पर भी इसके बाद देते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल ट्वेंटी पहला है इसमें आर्टिकल फिफ्टीन प्रोटेक्ट ऑल सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट वेयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज टू एक्सटेंड्स अगेंस्ट द स्टेट और एल्स हु बडी द राइट

then third article 15 is quite general and wide in its terms and applies to all citizens whether they belong to the majority or minority groups and gives protection to all citizens against discrimination by the state on certain specific grounds article 29 clause 2 confers a special right on citizen for admission into educational institutions maintained or added by the state then इसके बाद fourth distinction है Article 15 clause 1 prohibits discrimination on the grounds of sex or place of birth, whereas Article 29 clause 2 does not men mention these grounds. Thus, under Article 29 clause 2, a girl student can be denied admission in educational institutions. Article 15 clause 1 may Uh, ये दो ग्राउंड एक्स्ट्रा दिए हुए हैं सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ का बट इन दोनों का मैंशन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज टू में नहीं किया गया है तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू के अंदर में अगर किसी गर्ल स्टूडेंट को मना कर दिया जाता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से तो वो आप आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज टू के अगेंस्ट में नहीं होगा देन द राइट टू एडमिशन इन टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कन्फर्म बाई आर्टिकल ट्वेंटी राइट ऑफ एन इंडिविजुअल गिवन टू हिम बाय एज अ सिटीजन एंड नॉट एज अ में कम्युनिटी जो राइट ऑफ एडमिशन का दिया गया है आर्टिकल ट्वेंटी ये एक इंडिविजुअल का राइट right होता है एज अटीजन एंड वो मतलब ये इसलिए राइट right नहीं होता है कि वो किसी भी कम्युनिटी का मेंबर होता है इसमें केस आता है फिर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपाकम तुराई राजन का केस एंड ऑर्डर ऑफ मद्रास गवर्नमेंट है प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ ईच कम्युनिटी डेट कूड बी एडमिटेड इन टू द स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज मद्रास गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल डिसाइड कर दिया था कॉलेजेस में कि मतलब ईच कम्युनिटी का इतने एडमिशन होंगे मेडिकल एंड इंजीनियर कॉलेजेस में द ऑर्डर वॉज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट डिनाइड एडमिशन टू अ पर्सन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट ये ऑर्डर इसलिए चैलेंज किया कि ये मना कर देता है कि रिलीजन और रेस, कास्ट के बेस पर आप एडमिशन नहीं दे रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ऑर्डर इनवेलिड फॉर वॉयलेटिव ऑफ बींगल ट्वेंटी इनवेलिड ठहरा दिया गया वॉयलेशन में है आर्टिकल ट्वेंटी अपलाई वेयर द स्टूडेंट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन और वेयर ही इज रिफ्यूज एडमिशन एज ग्राउंड ऑफ हिज नॉट प्रसैसिंग क्वालिफिकेशन इसमें जो केस था वो तो यहां तक ही हाँ था द सुप्रीम कोर्ट तक इसके बाद ये पॉइंट है कि आर्टिकल ट्वेंटी का प्रोटेक्शन तब नहीं दिया जाएगा जब किसी स्टूडेंट की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एडमिशन के लिए आ, नहीं है या वो किसी भी इनडिसिप्लिन के कारण इस इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज का राइट right वो स्टैब्लिश कर सके और मैनेज कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को द वर्ड स्टैब्लिश इंडिकेट्स द राइट टू ब्रिंग इन टू एक्सिस्टेंस वाइल्ड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड इंस्टीट्यूशन मीन टू इफेक्टिवली मैनेज एंड कंडक्ट दफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश का मतलब है कि आप किसी भी एजुकेशन uh, इंस्टीट्यूशन को एक्सिस्टेंस में ला सकते हैं मतलब बना सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि आप उसे इफेक्टिवली मैनेज और कंडक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के अफेयर्स को द मैनेजमेंट मस्ट भी फ्री ऑफ कंट्रोल सो दट द फाउंडर्स ऑफ दअर कम्युनिटी कैन माउल द इंस्टीट्यूशन As they think fit in accordance with their ideas of how the interest of the community in general and the institution in particular will be served. In this case, DAV College Batinda v. State of Punjab, ka. the court held that the right of the minority to establish and administer educational institution of their choice includes the right to have a choice of medium of instruction, also, and the university curricular.

आ, उन इंस्टीट्यूशंस पे कि हिंदी को ही आप अपनाएं अपने इंस्ट्रक्शंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये वॉयलेशन में था आर्टिकल ट्वेंटी थर्टी क्लोज वन के द राइट्स राइटर सेक्शन सॉरी आर्टिकल थर्टी क्लोज वन इज अवेलेबल टू बोथ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो राइट दिया गया है आर्टिकल थर्टी क्लोज वन में ये दोनों पर लागू होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन पर भी और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन Institutions, probably. then Article 30, close Two, prohibits the state from making discrimination in the matter of grant of aid to any educational institution on the ground that it is managed by a religious minority or linguistic minority. Brahmachari Siddesha v. State of West Mangal's Ramakrishna Mission case, the Supreme Court.

वेदांता वैल्यूज को एक्सप्ला करने के लिए बाय रामकृष्ण सो so, वो एक माइनॉरिटी रिलीजन नहीं है और वो डिस्टिंक्ट भी नहीं है हिंदू रिलीजन से बट ये एक रिलीजियस डीमिनेशन है जो आर्टिकल एंड देर फॉर नॉट एन टू क्लेम द फंडामेंटल राइट क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये आर्टिकल थर्टी क्लस वन में जो राइट्स दिए गए हैं उससे ये क्लेम नहीं कर सकता है श्री रामकृष्ण मिशन श्री रामकृष्ण कुड बी रिगार्डेड एज अ रिलीजियस

एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का एक पार्ट था दिस अमेंडमेंट हैज इंसर्टेड न्यू क्लॉजिकल थर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस अमेन्डमेंट ने आर्टिकल थर्टी क्लॉज वन ए को एड किया था Relationship between Article 29 Close 1 and Article 30 Close 1 may In St. Xavier's College versus the State of Gujarat, the court pointed out the following distinctions be be between the two. First, Article 30, close one confers right only on minorities based on religion or re language, while Article 29 close one confers rights on any section of the citizens which will include the majority section. आर्टिकल थर्टी क्लोज वन जो है ये सिर्फ माइनॉरिटीज के राइट right को प्रोटेक्ट करता है बट आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन जो है वो मेजॉरिटी सेक्शन को भी प्रोटेक्ट करती है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन इज कंसर्न विद ओनली थ्री सब्जेक्ट विद लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन जो है ये सिर्फ तीन आ, चीजों के लिए कंसर्न करती है लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर में बट आर्टिकल थर्टी क्लोज वन ये डील करता है माइनॉरिटीज को लैंग्वेज और बेस्ड के अकॉर्डिंग

इसके बाद फोर्थ डिस्टिंगशन है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन नॉट डील विद एजुकेशन एज सच बट आर्टिकल थर्टी क्लोज वन डील्स ओनली विद विद्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लोज वन एजुकेशन के उसके साथ डील नहीं करता है बट आर्टिकल थर्टी क्लोज वन इस्टैब्लिशमेंट की बात करता है और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इसके बाद है पावर ऑफ गवर्नमेंट टू रेगुलेट माइनॉरिटी रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या पावर्स होती है गवर्नमेंट की कि वो माइनॉरिटी रन एजुकेशन इंस्टीट्यून को मैनेज कर सकता है या रेगुलेट कर सकता है द राइट कन्फर्म ऑन द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इज नॉट एन एब्सलूट राइट कि जो राइट दिया गया है आर्टिकल थर्टी वन के आर्टिकल थर्टी क्लोज वन के द्वारा माइनॉरिटीज को कि वो स्टेब्लिश कर सकती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन राइट नहीं है रेगुलेटरी मीजर्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एजुकेशनल कैरेक्टर एंड कंटेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिमिलरली रेगुलेटरी मीजर्स आर नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ऑर्डरलीफी इफिशियंट एंडिस्ट्रेशन की जो रेगुलेटरी मिशर्स होंगे वो नेसेसरीज होंगे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए इसमें केस आता है सिद्धराज भाई बस इंस्टेट ऑफ गुजरात का द बॉम्बे गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर रिजर्विंग द एटी परसेंट ऑफ द सीट्स इन द नॉमिन टू द नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट इन द माइनॉरिटी रैन एड ट्रेनिंग कॉलेज इस केस में क्या हुआ था बॉम्बे गवर्नमेंट ने इश्यू कर लिया था कि जो एट्टी परसेंट सीट्स होंगी वो गवर्नमेंट के द्वारा रख ली जाएंगी मतलब गवर्नमेंट के नॉमिनी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे दर्डर ऑल्सो प्रोवाइडेड रिजल टू एडमिट गवर्मेंट नॉमिनेटेड टीचर्स वोल्डिंग रिकग्नीशन एंड स्टॉपेज ऑफ ग्रांट इन एंड एंड रिकोगशन ऑफ कॉलेज फॉर वॉलिटिव आर्टिकल थर्टी क्लोज वन इसके बाद द कोर्ट हेल्ड दैट हैेगुलेशन कैन बी मेड टू प्रिवेंट द हाउसिंग ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन अनहेल्दी सराउंडिंग्स और फॉर प्रिवेंटिंग सेटिंग अप एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन विदाउट क्वालिफाइड टीचर्स रेगुलेशन विच में बी इम्पोज एज अ कंडीशन ऑफ रिसीविंग ग्रांट और ऑफ रिकोगशन मस्ट बी डायरेक्टेड टू मेकिंग द इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिटेनिंग इट्स कैरेक्टर एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सच रेगुलेशाइड टेस्ट अगर कुछ रेगुलेशन दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो वो इन टेस्ट को पार करनी चाहिए मतलब इन टेस्ट पर खरा उताना चाहिए ये कह सकते हैं इसमें था दे मस्ट बी रीजनेबल रीजनेबल होने रेगुलेश आर रेगुलेटिव ऑफ द एजुकेशन कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड आर कंडक्टिव इन मेकिंग द इंस्टीट्यूशन एंड इफेक्टिव वहीकल ऑफ एजुकेशन फॉर द माइनॉरिटी और अदर परसन अप टू रिजॉर्ट टू इट के बाद फिर केस आया सेंट जेवियर्स कॉलेज स्टेट ऑफ गुजरात का द पिटीशनर्स आर सोसाइटी ऑफ गुजरात अहमदाबाद वॉज रनिंग द सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इन अहमदाबाद विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गिविंग हायर एजुकेशन टू क्रिस्टियन स्टूडेंट्स ये, ये पिटिशनर था सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में था और ये एक माइनॉरिटी कॉलेज था और ये क्रिस्टन क्रिश्चियन uh, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हायर एजुकेशन देने के लिए स्पेशली uh, बनाया गया था

सेक्शन थर्टी थ्री ए में क्या था फोर्टी वन में क्या था फिफ्टी वन ए में क्या था अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार पोस्ट करके एक बार देख सकते हैं मैं आपको सीधा जो कंक्लूजन था वो बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है आप एक बार पोस्ट करके इनके स्क्रीन शॉट सकते हैं या इन्हें पढ़ सकते हैं नाम से इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी से These provisions in fact displaced the managing committee of college provisions displaced the committee college. The court held that, that, that these provisions updated the right of the minority to administer the educational institution of their choice and therefore did not apply to minority institutions. The governing body of the college is a part of its administration. The right to administer is the right to conduct and manage the affairs of the institution.

or affiliation to not a fundamental right. Minority institutions have a right to fundamental have a fundamental right to affiliation. What minority institutions fundamental right to affiliation? The court held that there was no fundamental right of minority to aff affiliated to a university. When a minority institution applies to a university to be affiliated, it expresses its choice to participate in the system of general education एंड कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब बाई डेट यूनिवर्सिटी जब एट माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के लिए एफिलेटेड करता है तो वो अपनी ये सहमति देता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे यूनिवर्सिटी के वो उन्हें फुलफिल करेगा दो देर इज नो फंडामेंटल राइट टू रिकोग्शन और एफिलिएशन बट टू डेन एफिलिएशन और रिकोगशन टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टअ ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन अमाउंट ऑफ द सिलेंडर ऑफ देयर राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस वुड इन इनफैक्ट डिब्राइव दम ऑफ देर राइटर आर्टिकल थर्टी वन बट अगर कोई यूनिवर्सिटी माइनॉटी इंस्टीट्यूशंस को मना कर देती है आ, लेकिन अगर वो आ, जो रिजेक्ट किया गया है वो सर्टन टर्म्स के लिए किया जाए तो वो वैलेटिव नहीं होगा अदरवाइज वो वोलेटिव हो जाएगा आर्टिकल थर्टी क्लोज वन के आर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नेसेसरी ऑइंग टू द डिफरेंट कैलेगरी ऑफ इंस्टूडेंट्स कमिंग फ्राम डिफरेंट डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड फ्राम स्टूडेंट डेवलप एंड अनडेवलप ग्राफिकल रीजन ऑफ द कंट्री स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशनिश्ड बाई माइनॉरिटी मस्ट नॉट रिफ्यूज एडमिशन टू अम्बर ऑफ एनी अदर कम्युनिटी इसके बाद केस है कृष्ण मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का द अपिलेंट सोसाइटीड मेडिकल कॉलेज एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फॉल्सली शोइंग जो अपिलेंट सोसाइटी थी उसने एक माइनॉरिटी बनाया और झूठा ही दिखा, दिखा दिया कि गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दे दी है There was nothing in the mem memorandum of association to indicate that the institution was intended to be a majority institution. Neither the state government granted permission to the establishment of the medical college nor the university granted affiliation to the institution. The society admitted in students to the medical college without fulfilling conditions under the uh, Andhra Pradesh Educational Act, Osmanian University Act. द कोर्ट हेल्ड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल थर्टी क्लोज वन विबल टू सच इंस्टीट्यूशन एंड द्लाइंटन टू रन द इंस्टीट्यूशन एंड डायरेक्शन टू दूनिवर्सिटी टू होल्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इसके बाद है राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या राइट होंगे माइनॉरिटी एजुकेशन को इसमें केस है टी एम एन स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड इलेवन जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनिवर्सिटी कैन नॉट रेगुलेट द एडमिशन पॉलिसी ऑफ अडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाई लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज कैन स्पेसीफाई अकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर स्टूडेंट एंड मेक रूल्स एंड रेगुलेशर में द कोर्ट फ्रेम्ड फाइव क्वेश्चन टू बी कंसिडर कोर्ट ने यह पांच क्वेश्चन दिए सबसे पहला था वट इज द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट का क्या कंट्रोल रहेगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर द कोर्ट है माइनॉरिटी एजुकेशन विद कंडीशन लेट डाउन बाय द बोर्ड और द यूनिवर्सिटी टू गैट रिकन और एफिलियन की जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे उन्हें कंडीशंस को फुलफिल करना होगा अगर वो यूनिवर्सिटी के साथ एफिलियेटेड होना चाहते हैं तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन व्हाट शुड बी व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स क्या प्रोसीजर होना चाहिए स्टूडेंट्स का एडमिशन के लिए द एडमिशन प्रोसेस इन्वॉल्व बाय अनएडिड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी ट्रांसपेरेंट द प्रोसीजर अडॉप्टेड और सिलेक्शन मेड शुड बी टेंथ अमाउंट टू मेला एडमिनिस्ट्रेशन इवन एन अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट इग्नोर द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट फॉर एडमिशन की अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है भी तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कि क्या क्या मेरिट होनी चाहिए स्टूडेंट में इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन एलिजिबिलिटी विल भी कंफाइंड टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑफ अदर कम्युनिटी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की या अगर कोई स्टूडेंट्स अदर कम्युनिटी का है तो उनकी भी द कोर्ट हैजैट एडमिशन कैन ओनली भी डन थ्रू अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय स्टेट और अ यूनिवर्सिटी की एडमिशन तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा ही होना चाहिए द अथॉरिटी में ऑल्सो डिवाइज अदर मीन्स टू एंश्योर दैट एडमिशन इज वटेड टू एन अनएडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था हु इज माइनॉरिटी एंड हाउ इट इज टू बी डिटरमाइंड क्या माइनॉरिटी कौन होता है और इसे डिटर्माइन कैसे किया जाएगा

अवेलेबल टू माइनॉरिटीज ओनली और अदर कम्युनिटीज की माइनॉरिटीज को भी दिए जाएंगे या अदर right right कम्युनिटी को भी दिए जाएंगे द कोट है सभी कर सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बट जो वो राइट्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए पीए ए इनाम से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के इसमें यह हुआ था रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ आर्टिकल थर्टी एंड आर्टिकल नाइनटीन क्लोज वन एंड सब सप्लोज जी की रिजर्वेशन अगर किया जाएगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहे वो मेजोरिटी के द्वारा बनाया गया है या वो माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया है तो वो वायलेटिव होगा आर्टिकल थर्टी और आर्टिकल नाइनटीन क्लोज वन सप्लोज जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड जैन कम्युनिटी नॉट अ माइनॉरिटी कम्युनिटी आज की इस वीडियो में इतना ही आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड आर्टिकल थर्टी आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर